स्लाजू क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है उत्तरी किस्म के अपराटस जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर उसको डिस्कस किया था। आज जो मोस्ट कॉमन अपराटस है माइक्रोस्कोप, जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए या बायोलॉजिकल लैब के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट। तो ये सबसे पहले हम आपको बता रहे माइक्रोस्कोप है क्या। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व दोज ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आईज। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंखों से ना देख सकें, खुली आंखों से ना देख सकें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी अपन द ग्लास बैंड लाइट कहते थे इसको पहले शुरू के अंदर। फिर बाद में क्या हो गया, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो है रोमन से डिस्कवर किया कि ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस के अंदर रखें तो आपको बड़े नजर आते हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया लेंस मैग्नीफायर भी दिया गया। आजकल जो हमारे पास मोस्ट जो है माइक्रोस्कोप यूज होते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप और उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। अब इसकी जब कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके मुख्य पार्ट्स हैं, बेस है, पहला पार्ट लाइट सोर्स और मिरर जिसको कहते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर एंड आर्म्स है, बॉडी ट्यूब है, इसके अंदर स्टेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, एडजस्टिव नॉब्स होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी चीज होती है। सबसे पहले जिसका ये आप देखें माइक्रोस्कोप हमारे पास एक मौजूद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका जो सबसे लोअर पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं, लोअर पार्ट इसका जो है इसको हम क्या कहते हैं बेस। बेस के बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद ये लाइट सोर्स है, एक मिरर लगा हुआ है जिससे हम लाइट को जो है वो फोकस करते हैं। उसके बाद ये आर्म है जिसके साथ मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये क्या है इसको आर्म कहते हैं, उसके बाद हमारे आर्म्स है, आर्म्स के बाद क्या ये बॉडी ट्यूब्स है। अब बॉडी ट्यूब्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है आपको दिस इज द स्टेज, ये स्टेज होता है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को जो है किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास जो ये लेंसेज लगे पड़े हुए हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको जो क्या कहते हैं, ये मुख्य तीन किस्म के लेंस लगे हुए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और दूसरे बॉडी ट्यूब के ऊपर जो नियर द आई जिससे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो लेंस लगे हुए इसको कहते हैं आई पीस, क्या कहते हैं इसको आई पीस कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बॉडी ट्यूब के अंदर ये दूसरे जो लास्ट स्टेज के अंदर होते हैं जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। इससे हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाई करने के लिए उसकी साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको फोकस करते हैं, इसको एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। तो ये डिफरेंट जो है पार्ट्स हैं हमारे माइक्रोस्कोप के जो हमने आपको दिखाया है। अगर हम वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम स्टेज पे रखेंगे। स्टेज पे रखने के बाद हम लाइट सोर्स से पहले लाइट को जो है वो फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद हम उसको जो है लेंसेज के जरिए फोकस करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे इसको आई पीस के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको उसको साइज छोटी या बड़ी करनी होती है, मैग्नीफाई जो है करनी होगी, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसकी साइज को मैग्नीफाई करेंगे। तो दिस इज द टुडे टॉपिक्स अबाउट द माइक्रोस्कोप, हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो होगा सेफ्टी रूल्स फॉर लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर दाखिल होते हुए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हमें प्रिकॉशन करने हैं। तो दिस इज द दिस मे बी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर जो है चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा, तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।